समेत शिखर, याद रहेगा। पारसनाथ को और किस नाम से जानते हैं? समेत शिखर, समेत शिखर, ठीक लिख लिए थे? नहीं लिखे थे, लिख लीजिए, लिख लीजिए। पारसनाथ को और किस नाम से जानते हैं? समेत शिखर। ऊपर लिख दें क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में ऊपर लिखेंगे हम लोग समेत शिखर। पारसनाथ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? समेत शिखर। अब देखिए और क्या पूछेगा एग्जाम में, ये जो पारसनाथ बना हुआ है पहाड़, ये किस प्रकार के पहाड़ से बना हुआ है? तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि निचला हजारीबाग में क्या मिल रहा था? ग्रेनाइट, यानी ये भी किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट। लेकिन कभी कभी एग्जाम में नाम भी पूछ लेता है, जैसे कि रूबी अभ्रक मिल गया ना, कोडरमा में तो अभ्रक मिलता है, लेकिन हम लोग स्पेशल क्या देखें, मास्कोबाइट या फिर रूबी अभ्रक? तो इसे कभी कभी पूछेगा कि किस प्रकार के ग्रेनाइट से बना है, तो लिख लीजिए कि पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी पायरेक्सीन, पारसनाथ की पहाड़ी पायरेक्सीन ग्रेनाइट से निर्मित है। कैसा ग्रेनाइट? पायरेक्सीन ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी किस प्रकार के ग्रेनाइट से बना हुआ है? पायरेक्सीन ग्रेनाइट से बना हुआ है। जैन धर्म का दो ब्रांच है, एक का नाम है दिगंबर और एक का क्या नाम है? श्वेतांबर। पढ़े होंगे आप लोग, जैन धर्म का दो ब्रांच है, एक का नाम दिगंबर और एक का नाम श्वेतांबर। दिगंबर लोग क्या कहता है कि आसमान ही मेरा क्या है? वस्त्र है। वस्त्र पहनने की क्या जरूरत? पूरा आसमान ही क्या है? वस्त्र है। श्वेतांबर लोग क्या कहते हैं कि श्वेत वस्त्र का धारण करना चाहिए। इस तरह से कई सारे डिफरेंसेस हैं। तो जैन धर्म की दो शाखा है, एक का नाम दिगंबर और एक का नाम श्वेतांबर। अब इन दोनों का ही धार्मिक स्थल कौन है? पारसनाथ। जानबूझ के क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के किसका धार्मिक स्थल है, और ऑप्शन में देगा दिगंबर, श्वेतांबर, कुछ और लिख देगा, पर ध्यान देना है, चाहे दिगंबर दे चाहे श्वेतांबर दे, दोनों का ही पूजा स्थल कौन है? पारसनाथ है। दोनों का ही पूज्य स्थल कौन है? पारसनाथ है। ठीक है, इसी के पास एक जगह है जिसका नाम है मधुबन। गिरिडीह में पारसनाथ के पहाड़ी के पास ही एक जगह है, उसका नाम क्या है? मधुबन। याद रखिएगा, क्या नाम है? मधुबन। और माझी वाला मधुबन की बात नहीं कर रहे हैं, और माझी में भी तो एक मधुबन है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ पे है? गिरिडीह में है, ठीक है ना, पारसनाथ पहाड़ी के पास। क्या नाम है इसका? मधुबन। और इस पूरे इलाका को, पारसनाथ, मधुबन, इस इलाका को बेसिकली याद रखिएगा, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। इसलिए जैन लोग जब आंदोलन कर रहे थे, ये झारखंड में नहीं कर रहे थे, सीधा पहुंच गए सेंट्रल में। कैसा थोड़े कि जैन धर्म के लोग केवल झारखंड में रहते हैं, देश के अलग अलग जगह में भी तो रहते हैं ना। तो आंदोलन करने सीधा कहाँ पहुंच गए? दिल्ली, मतलब पार्लियामेंट के पास, और अपनी बातों को मनवा के छोड़ा। इसका क्या नाम हो जाएगा? जैन धर्म का मक्का। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, ठीक। इतनी सारी जानकारी हमको किस बारे में मिला? पारसनाथ की पहाड़ी के बारे में। अब देखिए, हजारीबाग पठार को भी तो दो पार्ट में बांटे, एक निचला हजारीबाग, एक ऊपरी हजारीबाग। अब एग्जाम में पूछेगा कि वो बंटवारा कहाँ से आप स्टार्ट किए, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा ना, कि इसके बाद क्या है? ऊपरी हजारीबाग है। तो जैसे ही पारसनाथ की पहाड़ी खत्म,
उसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऊपरी हजारीबाग। मतलब ऊपरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग को बांटने का काम कहाँ से होता है, पारसनाथ की पहाड़ी से। जहाँ जैसी पहाड़ी खत्म, इधर वाला इलाका क्या है, ऊपरी हजारीबाग, और इधर वाला इलाका क्या है, निचला हजारीबाग। लिख लेना है कि ऊपरी हजारीबाग और निचला हजारीबाग के, ऊपरी हजारीबाग एवं निचला हजारीबाग के, ऊपरी हजारीबाग एवं निचला हजारीबाग के बीच, ऊपरी हजारीबाग एवं निचला हजारीबाग के बीच बंटवारे का कार्य, विभाजन का कार्य, ऊपरी हजारीबाग एवं निचला हजारीबाग के बीच बंटवारे का कार्य, विभाजन का कार्य, जो कहिएगा, बंटवारे का कार्य या फिर विभाजन का कार्य किसके द्वारा होता है, पारसनाथ के पहाड़ी द्वारा होता है, पारसनाथ के पहाड़ी द्वारा होता है। हो लिख लिए, किसके द्वारा होता है, पारसनाथ के पहाड़ी। मतलब जहां तक पहाड़ है वो निचला हजारीबाग, पहाड़ खत्म, ऊपरी हजारीबाग चालू। अगर पूछा जाए कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी के किनारे है, पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के किनारे है, कोई मेजर रिवर एकदम किनारे, हाँ है, जोर से बोलिए, बराकर नदी। कौन सा नदी, बराकर नदी। लिख लेना है कि पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के किनारे है, तो पारसनाथ पहाड़ी बराकर नदी के किनारे अवस्थित है। बराकर नदी, पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के किनारे है, तो बराकर नदी के किनारे अवस्थित है। पारसनाथ एकदम तैयार रहना है, पारसनाथ से क्वेश्चन इस बार आ रहा है, बी प्रिपेयर्ड, कुछ ना कुछ तो पूछेगा, किस नदी के किनारे है। अच्छा क्या क्या बताएं कि पारसनाथ जैन धर्म का तो है ही, साथ में संथालों का भी क्या है, पूज्य स्थल है। ये पॉइंट भी नोट करके रखना है कि जैन धर्म के साथ साथ संथालों का भी क्या है, ये धार्मिक स्थल है, संथालों का भी ये धार्मिक स्थल है। जैन धर्म के साथ साथ किसका धार्मिक स्थल है, संथालों का। लिख लेना है कि जैन धर्म के साथ साथ पारसनाथ संथालों का भी धार्मिक स्थल है, संथालों का भी धार्मिक स्थल है। ओके, चलिए संथालों का क्या है, धार्मिक स्थल है। अब ये पढ़ लिए कंप्लीट। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कौन सा ले लें हम लोग, पहले ये कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया था, ये कंप्लीट, यहां से लेकर कंप्लीट, ये पढ़ लिए ना हम लोग, ये भी पढ़ लिए थे, तो अब बचा कौन सा इलाका, केवल इधर वाला ये बचा ना, चलिए और थोड़ा सा सिमडेगा, यही दो इलाका बचा है। तो अब लिखिए, इसको कहते हैं उत्तरी कोयल और सोन नदी का बेसिन। क्या लिखना है, उत्तरी कोयल एवं सोन नदी का बेसिन, उत्तरी कोयल एवं सोन नदी का बेसिन। पहले यह समझना है कि सर बेसिन होता क्या है, कुछ तो होता होगा ना, बेसिन, बेसिन क्या होता है, बेसिन क्या होता है, पहले यह समझना है। बेसिन, उत्तरी कोयल एवं सोन नदी का बेसिन, तो बेसिन क्या होता है, और ये पॉइंट आता है, बेसिन क्या आता है, बेसिन क्या होता है, ये पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्या ध्यान देना है,
बेसिन कहने का मतलब क्या है? जहां पर भी कोई नदी अपना क्या करता है, सेडिमेंट को जमा करता है। जैसे मान लेते हैं कि इस कोना में एक बाल्टी पानी लिए और यहां से फेंक दिए, पानी बहते हुए जाएगा और सारा कचरा कहां जमा कर देगा? गेट के पास करेगा ना। तो जहां पर भी दो नदी आपस में मिलती है तो किसी ना किसी एक नदी के द्वारा जो भी मिट्टी लेके लाया गया, पत्थर लाया जा रहा है, सेडिमेंट लाया जा रहा है, अवसाद लाया जा रहा है, उसको क्या कर देगा? जमा कर देगा। उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। मतलब नदी का किनारा या मुहाना, नदी का मुहाना। तो यहां पे दो नदी मिलता है। आगे जब नदी पढ़ेंगे तो पता चलेगा इस तरह से एक नदी आएगा, उसका क्या नाम है? सोन नदी। और रांची से एक नदी जाएगा जिसका नाम क्या है? कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। ये मिलेगा पलामू के आसपास। कहां पे मिलेगा? पलामू के आसपास मिलेगा। तो इन्हीं दोनों का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया बचा, इस वाले इलाके को हम लोग क्या कहेंगे? सोन एवं उत्तरी कोयल का बेसिन। इसका नाम क्या है? सोन। और इसका नाम क्या है? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, ठीक है। एंड इस इलाके को हम लोग क्या नाम दिए? लिख लीजिए, सोन एवं उत्तरी कोयल का बेसिन। तो इस बेसिन में कौन कौन सा जिला आया? पलामू और गढ़वा। कौन कौन सा जिला? एक आया गढ़वा और एक आया पलामू। सर, एक जिला आया गढ़वा और एक जिला आया पलामू। अब गढ़वा और पलामू के बारे में जान लीजिए। झारखंड में ये ऐसा जिला है जहां सूखा भी पड़ता है और बाढ़ भी आता है। सुनने में अजीब है, सूखा तभी पड़ता होगा जब पानी नहीं होगा, और बाढ़ तभी होगा जब बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं? इसमें सूखा भी पड़ेगा और बाढ़ भी आएगा, तो दोनों कैसे हो सकता है? अब यहां पे पानी नहीं हो रहा है तो सूखा पड़ गया, पानी हो रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से कौन सा नदी आ रहा है? सोन नदी। अपने साथ पूरा पानी भर भर के लेके आ रहा है। गढ़वा में पानी नहीं हुआ, पानी हुआ रांची में, रांची से कौन सा नदी गया? कोयल नदी। अपने साथ भर भर के पानी ले गया। तो वहां पे तो सूखा है, पानी नहीं हुआ है, लेकिन नदी में इतना पानी आ गया कि क्या आ गया? बाढ़ आ गया। तो क्या याद रखना है? ये जो इलाका है नॉर्थ कोयल और सोन नदी का बेसिन, इसमें कौन कौन जिला आया? गढ़वा और पलामू। और इसी दो जिला ऐसा है जहां पे क्या आता है? बाढ़ भी आता है और सूखा भी आता है, फ्लड भी आएगा और ड्रॉट भी आएगा। क्यों आएगा समझ में आया? बाढ़ और सूखा दोनों आएगा। इसमें बाढ़ भी आएगा और सूखा भी आएगा, दोनों आएगा। अपने वहां पे पानी नहीं, लेकिन नदियों का पानी आया तो बाढ़ हो गया, और अपने यहां पे पानी नहीं हुआ तो सूखा हो गया। तो कहेगा एग्जाम में, झारखंड का कौन सा इलाका है या कौन सा जिला है जो बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित है? तो क्या आंसर देना है? गढ़वा और पलामू। चलिए, और क्या है सर? इस इलाके में आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगा, बहुत सारे। क्या देखने को मिलेगा? सीमेंट फैक्ट्री। कि इस इलाके में क्या मिलता है? चूना पत्थर। गढ़वा और पलामू वाला इलाका में क्या मिलता है? चूना पत्थर। लिख लेना है, ये जो बेसिन है, इस बेसिन में क्या मिलता है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। और चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। इसीलिए इस क्षेत्र में कैसा उद्योग है? सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है, सीमेंट उद्योग। रट नहीं जाना है, लॉजिकली याद करना है। से केंदु पत्ता मिला तो कौन सा उद्योग? बीड़ी। यहां क्या मिला? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग झारखंड में किस क्षेत्र में ज्यादा है? अच्छा, लोहा वाला उद्योग कहां ज्यादा होगा? लोहा वाला, लोहा, लोहा किधर मिल रहा था? जमशेदपुर तरफ। तो टाटा स्टील कहां पे है? है ना। तो लोहा वाला उद्योग कहां मिलेगा? कुल्हान तरफ मिलेगा, क्योंकि वहां लोहा मिलता है। जहां पे जो आसानी से मिलेगा उसी का ना फैक्ट्री लगाएंगे। अब मान लेते हैं हम यहां पे चाहते हैं कि हम गन्ने का फैक्ट्री लगाएं,
तो गन्ना मिलना तो चाहिए, और गन्ना मिलेगा नहीं तो फैक्ट्री लगा क्या करेंगे? जिस चीज का यहाँ पर उपलब्धताएं होंगी उसी का फैक्ट्री लगेगा ना, सिंपल सी बात है। तो जहां पे चूना पत्थर रहेगा किसका फैक्ट्री लगेगा? सीमेंट उद्योग लगेगा। ये किस एरिया की बात कर ली हम लोग? गढ़वा और पलामू, मतलब सोन और उत्तरी कोयल का बेसिन, ठीक। अब केवल एक इलाका बचा हुआ था, सिमडेगा था ना, तो लिखिए सिमडेगा का पठार, सिमडेगा का पठार। हाँ, सिमडेगा का पठार। क्या नाम देना है? सिमडेगा का पठार। पहला पॉइंट तो जिला कौन सा यहां पे? सिमडेगा, यही जिला है ना। अच्छा, सिमडेगा किस किस पड़ोसी को टच करेगा? डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछे, पड़ोसी राज्य। सिमडेगा कौन कौन सा पड़ोसी राज्य को टच करेगा? कौन कौन दिख रहा है? ये कौन है? छत्तीसगढ़। और ये कौन है? उड़ीसा। तो सिमडेगा टच करेगा छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा को। अच्छा, गढ़वा किसको किसको टच करेगा? यहाँ पे यूपी, यहाँ पे कौन था? बिहार। और यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो गढ़वा तीन को टच किया था, किसको किसको? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़। और सिमडेगा लिख लेना है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो सिमडेगा किसको टच करता है? तो क्या लिख लेना है? एक तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और दूसरा क्या हो जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा। इन दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है कौन? सिमडेगा। देखिए, सिमडेगा को प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर कहा जाता था, अभी भी सिमडेगा को बीरू क्षेत्र कहा जाता है। और सिमडेगा तरफ से कोई होंगे तो देखे होंगे क्या कहा जाता है उसको? बीरू क्षेत्र। तो सिमडेगा को क्या नाम है? बीरू कैसलपुर। पहले के जमाने में इसको क्या कहा जाता था? बीरू कैसलपुर। कौन सा पुर? बीरू कैसलपुर। तो बीरू कैसलपुर के नाम से कौन फेमस है? सिमडेगा फेमस है, याद रहेगा। बीरू कैसलपुर के नाम से कौन फेमस है? सिमडेगा फेमस है। सर, कुछ तो कारण होगा, सिमडेगा क्या फेमस है, क्या होता है? एट प्रेजेंट अगर बात किया जाए तो सिमडेगा को झारखंड का खेल नर्सरी कहा जाता है। यहाँ के 101 जो हॉकी प्लेयर निकले हैं सब कहाँ से निकले हैं? सिमडेगा से निकले हैं। तो खेल नगरी नहीं, खेलों की नर्सरी कहा जाता है, जहां मतलब कोई पेड़ पौधे को हम लोग क्या करते हैं? उगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तब हम लोग कहीं और लगाते हैं। तो जो खेलों की नर्सरी है झारखंड में, कौन है? सिमडेगा। तो लिख लेना है कि सिमडेगा को क्या कहा जाता है? झारखंड का खेल नर्सरी, खेलों की नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलों की नर्सरी कहा जाता है, ठीक है। तो सिमडेगा का एक नाम क्या बताएं? बीरू कैसलपुर। और दूसरा नाम यहां से क्या निकला है? बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकला है, इसे क्या कहा जाता है? खेल नर्सरी। सिमडेगा जो हमारा जिला है, ये अभी दो चीज में एकदम आगे है। किसमें? जल छाजन, वाटर को क्या करना के कंजर्व करने में, वाटर को स्टोर करने में। अभी देखिए 2000 क्या चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है अभी हम लोग का? 23 ना। तो 2023 में झारखंड सरकार ने सुखाड़ राहत योजना घोषणा किया है। मतलब झारखंड के टोटल जितना जिले हैं 24 में से 22 जिले, कितना जिले? 22 जिले। और प्रखंड कितना है हमारे पास? 264 कहना है, 264 प्रखंड। उस 264 प्रखंड में से लगभग 226 प्रखंड, 22 जिले और कितना प्रखंड कर रहे हैं? लगभग 226
26 प्रखंड को सूखा घोषित कर दिया है। क्या घोषित किया है? सूखा। कि जो हमारा पिछला साल बीता उसमें पानी कहाँ हुआ था? बहुत कम पानी हुआ था। जगह जगह आप लोग भी देखे होंगे खेती बाड़ी इस बार हुआ नहीं था, धान का खेती हुआ नहीं। जब धान का खेती नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? सूखा है, ड्रॉट है। तो झारखंड के 24 में से 22 जिले के 226 प्रखंड क्या था? सूखा था। और इन्हीं प्रखंडों के लोगों को जो बीपीएल परिवार से हैं, जो किसान परिवार से हैं, उनको मुख्यमंत्री राहत योजना, सुखाड़ राहत योजना के तहत 3500 रुपये का सहयोग राशि दी जा रही है। आप लोग में से बहुत किसी को मिला भी होगा, परिवार में आप लोग को नहीं मिलेगा, मतलब परिवार के मुखिया को मिलेगा। ऐसा नहीं बोलना कि सर हमको तो नहीं मिला, हमको भी दिलाइए। तो परिवार के किसको मिलेगा? मुखिया को मिलेगा, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग कि झारखंड के इस साल 24 में से 22 जिले को क्या घोषित कर दिए हम लोग? सूखा। कितने प्रखंड को? और जहां सूखा घोषणा किए हैं वहां के किसानों को क्या मिलेगा? 3500 रुपये। कितना रुपये? 3500 रुपये। ये सहायता राशि है, ये अभी क्या है? सहायता राशि है। फंड और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा और सियाना है, वो पूछेगा कि 22 गो तो सूखा है, 2 गो कौन सा जिला है जो सूखा नहीं है? सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम। कौन सा दो जिला? सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम। याद रखना है 24 में से 22 जिला ना, दो जिला में सूखा नहीं है वो कौन है? एक है सिमडेगा अपना और दूसरा पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम यही ना, एक हो जाएगा सिमडेगा, एक क्या हो जाएगा? ईस्ट सिंहभूम। तो सिमडेगा क्यों है? सिमडेगा में कोई उतना फेमस नदी तो है नहीं। सिमडेगा में दो सिस्टम एकदम आगे है, एक है टपकन सिंचाई और एक जल छाजन। जल छाजन कहने का मतलब वो सोलर प्लेट के माध्यम से आजकल जगह जगह पर देखिएगा पानी का टंकी बनाया जा रहा है। जगह जगह पर सोलर प्लेट और मोटर लगा दे रहा है और पानी का टंकी बना रहा है। तो उसको अच्छे से उन्होंने रेगुलेट किया वहाँ के लोगों ने कि उस पानी का क्या किया जाए, जो नहा रहा है पानी रोड में बह रहा है उसको कहाँ ले जाया जाए? खेतों में ले जाए। जो पानी से लोग नहा रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है, वो पानी को बर्बाद ना करके क्या किया जाए? सिंचाई में यूज़ किया जाए। जहां पर भी आप देखे होंगे इस तरह से सोलर प्लेट लगा हुआ है, पानी टंकी से लगा हुआ है, लोग नहा रहे हैं, वो पानी रोड में बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसी पानी को क्या कर लिया जाए? सिंचाई की ओर मोड़ दिया जाए, यानी दोनों काम हो गया, पानी खेतों को पानी भी मिल गया और लोगों का काम भी हो गया। तो सिमडेगा किस दो स्कीम में आगे है? तो पहला क्या लिखना है? जल छाजन। कौन सा स्कीम? जल छाजन, जल छाजन परियोजना। पूछेगा एग्जाम में क्या कि झारखंड का कौन सा जिला जल छाजन परियोजना में अग्रणी है? अग्रणी मतलब आगे है। तो कौन सा जिला जल छाजन प्रक्रिया में आगे है? तो क्या आंसर देना है? सिमडेगा। और यहां पे सिंचाई का एक और जो सिस्टम चल रहा है उसका नाम क्या है? टपकन सिंचाई, स्प्रिंकल। वो देखे एक पाइप ऑन कर दिया, चारों ओर फुवारा के जैसा पानी को रिलीज करते रहता है। गाड़ी वगैरह वॉश करने जाते हैं तो कम से कम पानी में आपका गाड़ी धो देगा। आप खुद से तो गाड़ी को मतलब वॉश कीजिएगा तो 3 बाल्टी पानी का यूज़ कर लीजिएगा, साफ ही नहीं हो रहा है। वो एक ही बाल्टी में पूरा पानी एकदम साफ कर देगा गाड़ी आपका। क्यों? कम से कम पानी जाएगा, स्प्रिंकल है ना, हल्का हल्का पानी निकलेगा फुवारा जैसा। तो वो जो सिंचाई होता है उसका क्या नाम है? टपकन सिंचाई। लिख लीजिए किसमें आगे है? टपकन सिंचाई। तो इन दो चीज में सिमडेगा हमारा क्या है? एकदम अग्रणी है, आगे है। किसमें? किसमें? जल छाजन परियोजना और टपकन सिंचाई में। ठीक, क्या क्या समझे हम लोग सिमडेगा पठार के बारे में? सिमडेगा पठार को हम लोग क्या, किसको टच करता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। इसका पुराना नाम बीरू कैसलपुर, बीरू कैसलपुर। सिमडेगा के पठार को और किस नाम से जानते हैं? खेल नर्सरी। ये इस बार क्या सूखा हुआ यहाँ पे? नहीं,
सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़ के बाकी 22 जिले क्या हो गए? सूखा हो गए। सर क्यों नहीं हुआ? सिमडेगा का मेन कारण क्या है? दो स्कीम, एक जलछाजन परियोजना और दूसरा टपकन सिंचाई परियोजना। ये दो स्कीम को इन्होंने अच्छे से क्या किया है? रेगुलेट किया है। अच्छा, सिमडेगा में याद रखिएगा अंजनी धाम भी है, अंजना धाम या अंजनी धाम कहा जाता है। बहुत सारे लोकल मान्यता यही है कि हनुमान जी का यहाँ जन्म हुआ था, उन्हीं के नाम पर ही धाम को रखा गया है। तो अंजनी धाम या अंजना धाम कहाँ पे है? हम लोग अंजन धाम कहाँ पे कहते हैं? हम लोग सिमडेगा में कहते हैं ना। तो ये भी कम से कम याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट है। ऐसे जब हम लोग मंदिर पढ़ेंगे तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा सारे को पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा पहाड़ी है, कहाँ पे कौन सा मंदिर है, ये सब हम लोग देखेंगे। पूरा कंप्लीट हुआ? झारखंड का, बोलो। हाँ हाँ, झारखंड का जो पूरा फिजिकल डिवीजन है अलग अलग करके सारा हम लोग पढ़ लिए ना। क्या क्या पढ़े? सबसे पहले सर पढ़े कोल्हान। कोल्हान किधर वाला एरिया है? दक्षिण वाला। कोल्हान में कौन कौन सा जिला? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। सर कोल्हान को भी फिर हमने बांटा था बीच में चाईवासा, उसके दाएं ढालभूम, उसके बाएं कौन था? सारंडा। उत्तर में पुरहाट, दक्षिण में कोल्हान और चाईवासा के उत्तर पूर्व में दालमा। फिर हम लोग कहाँ चले गए थे? संथाल परगना, राजमहल। राजमहल ट्रैप में कितना जिला? 6। कौन कौन? दुमका, साहेबगंज, कंप्लीट 6 हो गया ना। फिर हम लोग क्या देखे? उसमें भी दो तरह का देखे कि साहेबगंज और पाकुड़ में ज्यादा वर्षा होता है, तेज हवा के साथ तेज वर्षा, उसका क्या नाम है? क्या नाम दिए थे? नॉर्वेस्टर। और लोकल भाषा में काल वैसाखी। और उसी को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, मैंगो सावर कहते हैं। आम पकने लगेगा अभी के समय में होगा। फिर क्या देखे थे कि वहीं से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। वहां पे कौन सा मिट्टी मिला था? काली मिट्टी। साहिबगंज में तो जलोल मिट्टी मिला था, लेकिन संथाल परगना में कौन सा मिट्टी? और काली मिट्टी में क्या उगा रहे थे? केंदू। अच्छा, बीड़ी उद्योग में सबसे आगे कौन था? पाकुड़ था। कौन था? पाकुड़ था। अच्छा, राजमहल ट्रैप का ज्यादा हिस्सा कहाँ पे था और कम हिस्सा कहाँ पे? जामताड़ा। ज्यादा हिस्सा दुमका और कम हिस्सा जामताड़ा। राजमहल का मुख्य फसल धान, मुख्य फसल क्या था? धान। अच्छा, झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पे होता है? सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है? नेतरहाट। कहां पे होता है? नेतरहाट। जगह पूछेगा तो नेतरहाट, पूरा प्लेस पूछेगा तो मतलब पाट क्षेत्र, और जिला पूछेगा तो हजारीबाग। कौन सा जिला में? हजारीबाग। पारसनाथ की पहाड़ी कहां पे है? ये झारखंड का क्या है? अच्छा, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है? सरुवत पहाड़ी। ये कहां पे है? गढ़वा में है। ये किस पार्ट का हिस्सा था? नाम क्या था? तो जमीरापुर का पार्ट, गणेशपुर का पार्ट, नितरहाट का पार्ट। इस पार्ट का नाम क्या था? गुलगुल पार्ट। बताए थे ना कौन सा पार्ट? गुलगुल पार्ट। अच्छा, एक पॉइंट, पाट क्षेत्र में शायद नहीं लिखाए होंगे, एक विशेष प्रकार की झाड़ी मिलती है। झाड़ी समझते हैं ना, पुटुस का झाड़ी मिलता है ना, वैसे एक विशेष प्रकार का झाड़ी मिलता है, उसका नाम है सनौ और सरौ। याद रहेगा, पाट एरिया में एक अलग प्रकार का क्या मिलेगा? झाड़ी मिलेगा, स्क्रब मिलेगा, उसका नाम क्या है? सनौ और सरौ। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की उपराजधानी, झारखंड का औद्योगिक राजधानी, झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी देवघर, सांस्कृतिक राजधानी देवघर, और झारखंड का कोयला राजधानी धनबाद, झारखंड का माइका राजधानी कोडरमा। सब याद रखना है। क्या क्या बोले? राजधानी
रांची, उपराजधानी दुमका, झारखंड का औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी देवघर, झारखंड का कोयला नगरी धनबाद, झारखंड का अभ्रक राजधानी कोडरमा। इतना आपको याद रखना है, अभ्रक राजधानी कोडरमा, टाटा नगर जमशेदपुर। अच्छा, रांची का पठार और पाठ क्षेत्र, इन दोनों के बीच में क्या है? बारहवें मैदान का आकार कैसा है? बारहवें मैदान का आकार, पाठ क्षेत्र का आकार उल्टा त्रिभुजाकार था, बारहवें मैदान का आकार तस्तरी नुमा। बताए थे ना, इधर पाठ क्षेत्र, इधर रांची पठार, बीच में क्या है? नाव जैसा तस्तरी नुमा। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, इन दोनों को कौन अलग करता है? दामोदर घाटी। कौन अलग करता है? अच्छा, रांची पठार का वो इलाका जो पश्चिम बंगाल की ओर है, उसका क्या नाम है? हाँ बोलिए बोलिए, मोरवान। बताए थे ना, रांची पठार में चार पार्ट था, उत्तर वाले का नाम नॉर्थ स्कार्पमेंट, इधर वाले का नाम बीच में, इधर वाले का नाम मोरवान। आकार कैसा था? चोकर। यहां पे दो बताए थे, दोन और टाण। दोन मतलब जहां धान होता है, निचला भूमि, टाण मतलब ऊंचा भूमि। राजमहल में भी दो तरह का पहाड़ी बताएं, कौन कौन सा पहाड़ी? डोंगरी और डोंगरी में कैसा पहाड़? बड़ा बड़ा, और टोंगरी में छोटा छोटा, पैर में चुभने वाला सुई नुमा पहाड़, है ना। अच्छा, झारखंड में शीतकाल में कहां पे वर्षा होती है, क्यों होती है? वेरी गुड, मेडिटेरियन सी में डिस्टरबेंस के कारण, भूमध्य सागर के विक्षोभ के कारण कहां होती है? पांच क्षेत्र में वर्षा होती है, यही ना। अच्छा, झारखंड में कौन सा इलाका है जहां पे लाल मिट्टी पाया गया था? कोल्हान। और कहां पे चमकीली मिट्टी? कोडरमा वाले इलाका में चमकीली मिट्टी। ब्लैक, काला मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पाट क्षेत्र जहां पे ज्यादा पानी हुआ, काला मिट्टी का क्या हो गया? इरोजन हो गया। और कौन सा मिट्टी बचा? लेटराइट मिट्टी में किसका खेती करेंगे? मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब का। और जहां पे एलुवियल सॉयल होगा, मतलब उपजाऊ मिट्टी होगी, वहां पे किसका खेती करेंगे? धान का। क्या खेती करेंगे? धान का खेती करेंगे। तो ये इस तरह से पूरा हम लोग क्या पढ़ लिए, पूरा झारखंड का फिजिकल डिवीजन पढ़ लिए। एक इलाका छोटा सा हमको पढ़ना है, पंच परगना का मैदान। रांची से जैसे ही आगे जाते हैं, तो ये जो बुंडू, तमाड़, सिल्ली इलाका मिलता है ना, इसका नाम क्या है? पंच परगना। यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, ना ही हिंदी है ना ही बंगला है, पंच परगनिया भाषा बोलता है, मतलब मिक्सचर भाषा है। तो एक नया हेडिंग बनाइए, पंच परगना का मैदान। आप लोग में से कोई है क्या?